ये आज मेरा तबीयत कुछ खराब है, पेट थोड़ा दिक्कत दे रहा है और आना होगा तो ओके ओके जरूर जरूर मिलेंगे फिर से। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़ा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप देखिए ये कौन सा एरिया है, एरिया नॉर्थ ईस्ट में अभी भी ठंड है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर भाई लू आ रहा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सेवारो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है मस्त और स्वस्थ है। तो दोस्तों न्यू दीघा में आज हम लोगों का लास्ट डे है कि नहीं भैया? बाय 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 दीघा। और दोस्तों आप ये जो रूम है, अभी हम लोग चेकआउट करके निकल रहे हैं स्टेशन की ओर, और वहाँ पर अभी हम लोगों को डे सुपर मिलेगा या नहीं पता नहीं दोस्तों, जाने के बाद ही पता चलेगा। और चलिए उतरते हैं नीचे और ऑनर से थोड़ा मिलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करना। तो भाई अभी निकल रहे हैं यहाँ से, बाहर जाने का बाद इतना ही गर्मी दिख रहा है भाई, क्या ही बताएं। चलिए फिर आना होगा तो ओके ओके जरूर जरूर मिलेंगे फिर से। अच्छा यहाँ पर हावड़ा का वो मिलेगा ना बस, मिल जाएगा ना। हम लोग निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं इंदिरापुरी लॉज। जो भी बजट फ्रेंडली जो भी व्यक्ति आ रहा है घूमने के लिए तो इस टाइप का लॉज में रह सकते हैं। और अभी लगभग सुबह का बज रहा है, लगभग 7:35 में गर्मी कुछ इस टाइप का है भाई। बहुत सारे लोग अभी सुबह सुबह भी समुंदर से नहा के आ रहा है, और अभी देखिए समुंदर में नहाने भी जा रहा है भाई। और दोस्तों आ चुके हैं न्यू दीघा का मेन टाउन, और यहाँ पर बहुत सारे नाश्ता कर रहा है। और आपको बता दूँ, पता नहीं कल क्या खा दिया, पेट थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो अभी हम लोग ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के लोग तेल और मसालेदार अवॉइड ही करता है। तो अभी चाय सिर्फ पियेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चाय पीने का मन ही नहीं है, चाय आप ही पी लीजिए दो कप। मैं नहीं पीऊँगा, मैं पानी ही पीऊँगा। तो यहाँ हो रहा है हमारा टिकट। तो यहाँ पर देखो भाई, अभी भी लगभग 31 डिग्री सेल्सियस गर्मी है यहाँ पर, लेकिन समुंदर का वजह से थोड़ा हवा चलते रहता है। हम लोग का गाड़ी यह है संतोष, तो अभी हम लोग इसी में जाएंगे। तो दोस्तों बस का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, और जाते जाते तो भर ही जाएगा। हम लोग का सीट है 21-22 किधर में है भाई, खिड़की का किनार पर मिल चुका है सीट, और बाहर का खा खा के पेट हो गया है ख़राब। पता नहीं और दो दिन कैसे रहना पड़ेगा, रूम में ही रहना पड़ेगा या फिर घूमने भी का भी मौका मिलेगा, देखते हैं भाई क्या होता है। कल रात को दवा तो खा लिया था दोस्तों, और सुबह एक गैस का खाया, रात में डिसेंट्री वाला दवा खाया भाई। तो अभी देखते हैं आज क्या होता है, आज फिर से खाना पड़ेगा या नहीं, समय ही बताएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़ा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये अभी फिलहाल 2-3 साल में ये बन के रेडी हो जाएगा, बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है भाई। तब टूरिस्ट का जमावड़ा और भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा ये कौन सा एरिया है? कोलाघाट। तो दोस्तों अभी हम लोग न्यू दीघा से हावड़ा की ओर जा रहे हैं, और अभी यहाँ पर ये कोलाघाट एरिया में बस रुकेगा 10 मिनट। और यहाँ का गर्मी बाप रे, लू मार रहा है भाई, पूरा गर्म भाप भाई। ये बाहर में और ज़्यादा देर तो रुक नहीं पाएंगे, लगभग अभी 12 बज रहा है, अभी यहाँ का टेम्परेचर होगा 43। बाप रे क्या गर्म हवा भाई। तो यहाँ पर यात्रीगण रुके हुए हैं कुछ नाश्ता पानी करने के लिए। ये आज मेरा तबीयत कुछ ख़राब है, पेट थोड़ा दिक्कत दे रहा है और बुखार भी लग रहा है, क्योंकि ये वेदर का वजह से हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में अभी भी ठंड है दोस्तों, अभी भी जैकेट लगा रहा है बारिश के चलते, लेकिन यहाँ पर भाई लू आ रहा है। दो ग्लास बनाइए तो भाई गर्मी में अभी थोड़ा गन्ने के जूस पी लेते हैं, पेट भी गर्म हो गया है। गन्ने का जूस अभी गर्म तो 43 डिग्री है। 42 बोधिर चना। तो यहाँ बोधिर चना, बोधी मतलब ज्यादा का बीवी है भाभी। अच्छा ये भाई गर्मा गर्म
भाभी है, भाभी भाभी है। भाई बाहर में गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पूरा लो आ रहा है, तो अभी अंदर में बैठना है एसी पर। तो दोस्तों अभी हावड़ा स्टेशन जाने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस हम लोगों को आधे रास्ते पर ही उतार दिया यहाँ पर। अभी ई रिक्शा में चढ़ चुके हैं, अभी चलते हैं हावड़ा स्टेशन का, मतलब हावड़ा ये रेलवे म्यूजियम का पास में उतार देगा, और वहाँ से हम लोगों को होटल खोजने के लिए लगभग 3-4 मिनट खोजना पड़ेगा हम लोगों को। गर्मी तो मत ही बोलो, बहुत ही खतरनाक वाला गर्मी। तो अच्छा भैया ये जो बस है हम लोग को थोड़ा आगे में छोड़ दिया ना, हावड़ा स्टेशन से आगे, पाँच किलोमीटर पहले छोड़ दिया। अगर हम लोग बस में बैठे रहते तो ले जाता ना, ना वो आपको धर्मशाला ले जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर से वो मैंने क्रॉस कर जाएगा, हावड़ा तक नहीं जाते, यहीं आके छोड़ते हम लोग छोड़ते। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, यहाँ से पैदल जाना होगा ना, ये सामने इधर पहले ज्यादा उधर भी एक रास्ता था ना डायरेक्ट, हम लोग का ब्रिज पार भी नहीं ना है, हम ब्रिज पार पैदल जाना पड़ेगा अभी। हाँ अभी थोड़ा सा पैदल जाइएगा स्टेशन, थैंक यू। वो स्टेशन के पास में होटल मिल जाता है। हाँ हाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी ये जो देख रहे हैं हम लोग का पीछे में, ये है रेल म्यूजियम, और ठीक यहाँ से आप इधर जाओगे तो ये मैरिज हॉल टाइप का है, और यहाँ से आप गंगा नदी का नज़ारा ले सकते हो। तो अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, अभी लगेज भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके चलते फर्स्ट रूम चलते हैं, रूम में ये लगेज रख के निकलते हैं इस साइड में, देखने के लिए क्या देखने को मिलता है भाई। तो रेलवे स्टेशन के पास में ही रूम बहुत सारा है बताया। हावड़ा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर होटल खोजते खोजते 12 बज गया है यार, गर्मी से फट रहा है बहुत। तो होटल किधर है, वो तो एक होटल दिखाई दे रहा है, बार होटल दोनों ही है शायद, अभी देखते हैं वहाँ जाके होटल मिल पाता है या नहीं। तो वैसा अभी ऐसा लोग आकर पूछ रहे हैं एसी रूम है 1000 रुपये में, लेकिन फर्स्ट हम लोग खुद खोजने वाले हैं, शायद कम में भी हो जाए। तरीके से यहाँ पर, अरे भाई साहब ये देखो गाड़ी का कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है, जो जैसा आगे ही बढ़ने खोज रहा है, डबल डबल जा रहा है भाई, कभी अलग है यहाँ का। अरे भाई देखो एक दिन में ही खड़ा कर दिया है, अरे भाई साहब। तो ये हावड़ा है भाई देखो, बाहर का भी फोटो मैं, हाँ उधर हम लोग घुसेगा भी नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोग अशोका होटल पर आ चुके हैं, और यहाँ पर एक रूम ले लिया, और थोड़ा मेरा सर दर्द भी बहुत कर रहा है, तो इसीलिए रेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। भीम बहादुर लेट, भीम बहादुर सुबह। तो अभी भैया वहाँ पर अपना बायोडाटा हम लोग का जो एड्रेस है वो दे रहा है केबिन में काउंटर पर, भाई थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। ये एक्वारियम में बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ आप देख सकते हैं, ये अपना चारा खोज के खाते हुए। चाहिए एक डुप्लीकेट फिश भी है आप देख सकते हैं, ये डुप्लीकेट फिश है आप। अरे यहाँ पर कछुआ भी है भाई, देख सकते हैं कछुआ।